पीता हूं, मैं रात्रि भोजन करता हूं, अभी दो तीन तो नाम लेता हूं, आप जो जो खाते हो उल्टा सीधा, जो जो उल्टा सीधा काम करते हो व्यापार धंधा, उस सब की आनंद बुद्धि मात्र में कहां चले गए। और देखो सरल दृष्टांत दो, और सरल दृष्टांत दो, कभी कभी ऐसा आपस में देखा होगा आप लोगों ने आपस में कि आप चलते चलते ठोकर लग गई आपको, ठोकर और लग गई आपको थोड़ी सी, और इतने में ही आपका फ्रेंड हंसने लगा, तो आपको क्या होता है? फ्रेंड पर क्या आता है? गुस्सा आता है। अब मैं एक बात पूछता हूं, फ्रेंड ने मारा था क्या आपको? नहीं। फ्रेंड की क्या गलती है उसमें? नहीं। तो हंसे नहीं, तो आपको उस पर गुस्सा क्यों आता है? अब आप अपनी अपनी वो लगने को तो भूल गए, और ऐसा लगता है इसको एक खींचे। ये दृष्टांत है, दृष्टांत। उसने किया कुछ नहीं है, लेकिन हंस करके भी अनुमोदना की है, मेरे चोट लगने की, मेरे तकलीफ की प्रशंसा व्यक्त की है, प्रसन्नता व्यक्त की है। इसलिए आप अब वो शत्रु जैसा लग रहा है वो। ऐसे ही भगवान आत्मा उस मित्र की भांति खाता पीता भोगता तो नहीं है, लेकिन प्रसन्न हो करके जो इसकी क्रियाकलापों की अनुमोदना करता है, उसमें यह जीव पाप बंध करता है, इससे कर्म बंध होता है, इससे जीव चार गति में चला जाता है। बोलो, समझ लो, आपका फ्रेंड आपसे मिले और जब जब आपको लॉस हो तब तब तारीफ करें, वाह मजा आ गया, मकान में आग लग गई आपको, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, और आपके बच्चे मर गए, हाँ गजब बहुत अच्छा, और सुनाओ, माने जब जब आपको तकलीफ होवे और वो अच्छा मनावे, तो आपको कैसा लगेगा? वो शत्रु लगेगा ना। अब कब बात करोगे उससे? कभी नहीं। ये दृष्टांत, किया तो नहीं था उसने कुछ, ऐसी भगवान आत्मा प्रत्येक जीव ने किया कुछ नहीं, लेकिन कर्तव्य की मान्यता में ये जीव आज तक घूम रहा है। अब बोलो भैया, फोकट में किस किस को घूमना है चार गति में? रिजर्वेशन कराओ जल्दी जल्दी, बोलो। देखो गजब बात, भोग लो तो कोई बात नहीं, भोग पाते नहीं हैं, लेकिन भोगने की कामना में, कल्पना में वे फिजूल अनादि काल से हम दुखी हो रहे हैं। ये विश्व में बहुत माल है, बहुत माल है, ठीक है? आहा, तो आप तो ठीक है, अब तो स्वच्छता नहीं आएगी ना, अब तो हैं सब। लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी कि शुभ भाव का कर्ता हम नहीं है तो फिर करें ही क्यों। ये नई पीढ़ी को ये बात जल्दी समझ में आ जाती है, नहीं आ जाती कि ये बहुत अच्छा है, जब अपन करते ही नहीं ना शुभ भाव, क्यों अच्छा विचार कर सकते हैं? ये बहुत कठिन चर्चा है नए लोगों के लिए, तो बहुत कठिन है कि उन्हें तो यही लग रहा है पंडित जी ये बताएंगे कि गंदे भाव नहीं करना, गंदे भाव नहीं करना, और पंडित जी ने तो पहले ही दिन ये बता दिया कि गंदे भाव हो तो डरना मत। क्या कह रहे, सच कहते हैं आपको, ईमानदारी, घबराना नहीं, लेकिन पूरी थीम समझ में नहीं आए तो पूछना। हम क्या करें, हम असलियत को छिपाना नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते कि तुम अच्छे विचार करो, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते ना। अच्छे विचार आना और बुरे विचार आना वो छह द्रव्यों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो मात्र जानने वाले हैं, ध्यान रखना, सुबह इसकी चर्चा हुई थी, अपन मात्र जानने वाले हैं, बाकी करता नहीं। तो सर फिर खराब विचार आएंगे तो उनका पाप किसको लगेगा, हम बताएं किसको लगेगा? बता दें कि जो उन्हें अपना मानेगा उसे लगेगा, बस सीधी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो उन्हें अपना माने उसमें आनंद माने उसको पाप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अपनी शास्त्र की भाषा में कहो तो मिथ्यात्व का बंधो से होगा, अनंतानुबंधी का अनंत पाप। अनंतानुबंधी शब्द सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, भावी सुना है अनंतानुबंधी? अनंतानुबंधी का मतलब होता है अनंत संसार का बंध, अनंत कर्मों का बंध, इसका नाम अनंत अनुबंधी। माने दुनिया का सबसे बड़ा पाप, इसका नाम अनंत अनुबंधी। ख्याल में आया कुछ? अच्छा, ये तो अभी उस बाद में समझाएंगे सब, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि मैं अच्छे विचारों का भी करता नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, कर सकते हो विचार? देखो कभी कभी ऐसा होता है, आज आप बहुत बिजनेस किया और हार थक गए ना, तो आपने सोचा कि अरे रे आज तो बहुत थके हैं, प्रवचन में नींद आएगी इसलिए पीछे बैठो,
पीछे थके हैं ना, पीछे बैठ थोड़ा। और लेकिन ऐसा हुआ अचानक कि प्रवचन में ऐसा मन लग गया कि नींद उड़ गई। हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। और कभी लगता है कि आज अपन ने दोपहर में रेस्ट कर लिया है, फ्रेश मूड है, और सबसे आगे जाके बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और फिर क्या हो जाता है, अब अपन ने तो बुद्धिपूर्वक अच्छी चेष्टा की थी ना, लेकिन नींद आ गई, अब करें क्या, बोलो। इससे मालूम पड़ता है स्वतंत्र परिणति, बिल्कुल स्वतंत्र, आपके चाहने से कोई भाव नहीं आते। बहुत सही कहता हूं आपको, फिर से सुनना, यदि हमारे चाहने से गंदे विचार रुक जाते हैं तो हम सब इस समय मुनि बन गए होते, क्योंकि मन की चंचलता ही दूर नहीं हो रही है। हमने कोशिश तो बहुत की है, ट्राई तो बहुत की है, लेकिन जब गंदे विचार आना होते तो मंदिर में भी आ जाते हैं, पर जब नहीं आना हो तो टॉकीज के सामने खड़े खड़े गंदे विचार नहीं आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो अब इससे मालूम पड़ गया ना, विचारों की स्वतंत्रता है। शास्त्र की भाषा में कहो, आश्रम बंद की स्वतंत्रता है। क्या कहा, किसकी स्वतंत्रता है, आश्रम बंद, शास्त्र की भाषा में। और मैं तो मात्र ज्ञायक, समय शास्त्र जी की भाषा में बताओगे, थवा योग्य थाय छे, गुजराती जानते हो, थवा योग्य थाय छे, आश्रम बंद अर्थात शुभ और अशुभ विचार होने योग्य होते हैं, करने से होते हैं, ये नहीं कहा। ए, गंदे विचार करने से होते हैं, समय सारजी में लिखा है वो, थवा योग्य थाय छे, होने योग्य होते हैं, हम तो करते हैं नहीं। तो फिर अपने को क्या करना है आज के बाद, कि आप तो, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मस्त आत्मा हूं, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। ऐसा होने पर आपका अहम छूट जाएगा, आनंद बुद्धि छूट जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जिसमें आनंद बुद्धि नहीं रही तो वो पाप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अभी रुक जाओ, मैंने तीन बार बोला है होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि होंगे, लेकिन अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी और अवक्ष नहीं होगा। क्या कहा, अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी व्यापार करने का पाप हो रहा है कि नहीं, विवाह हो रहा है तो स्त्री संबंधी पाप हो रहा है कि नहीं, रोटी बनाते हैं रोटी चौका करते हैं ना, काम करते हैं रसोई, तो वहां हिंसा होती है कि नहीं, मकान बनवाते हैं तो हिंसा का पाप होता है कि नहीं। तो पाप तो होंगे, लेकिन अन्याय का पाप नहीं होगा, अनीति का पाप नहीं होगा, अवक्ष का पाप नहीं होगा। यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो उसको अभी मुनि बनने की ताकत नहीं होने से मजबूरी में मकान बनवाना पड़ रहा है, व्यापार करना पड़ रहा है, पत्नी और बच्चों के बीच में रहना पड़ रहा है, लेकिन अंतर में उसका रस आता नहीं है, और उसका रस नहीं आता है तो पाप बंद भी होता नहीं है। अब सरल की कठिन, अरे भैया उलझी तो नहीं, चर्चा उलझी तो नहीं, देखो व्यापार करेंगे आप, मकान बनाएंगे, विवाह भी करेंगे, अब सब लगा लेना जितना आपको लगाना है, लेकिन हम किसी की जगह हड़प करके नंबर दो का कि अवक्ष खा ले कि अनीति कर ले, कि दो भाई थे दो भाई और बराबरी से प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन हम इंटेलिजेंट थे ना तो हमने अनीति कर ली उसके साथ, सोना सोना खुद को रख लिया, चांदी चांदी उसको दे दी, न्यू बर्तन अपन ने रख लिए पुराने बर्तन, ये अनीति, अनीति नहीं होगी। ज्ञानियों के जीवन में अनीति नहीं होगी, अवक्ष नहीं होगा और अन्याय नहीं होंगे, ये तीन काम नहीं होंगे। बाकी रह गई बात तो पाप तो होंगे, लेकिन ऐसा पाप नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कठिन तो नहीं है कुछ, आगे चलो। और देवसाज गुरु की भक्ति होगी कि नहीं होगी, ये चर्चा और आज की अंतिम, क्योंकि आपने तो कह दिया तो विश्व का काम है, मेरा काम तो है ही नहीं, हम तो कुछ कर सकते नहीं, भक्ति कर सकते कि नहीं, गा सकते कि नहीं, वो तो आपने मना कर दिया गाने का, तो गाना तो क्षेत्र का काम है। बात तो बराबर है, क्यों कही ये बात, कि उसमें मान कसाय करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा गला अच्छा नहीं हो तो गला अच्छा करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया कुछ नहीं, लता मंगेशकर और रफी बनने की जरूरत नहीं है, दृष्टांत। और आगे चलो,
और दूसरे का गला अच्छा हो तो उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाने वाला कोई और है, वो गाने वाला नहीं। हमने तो इसलिए चर्चा उठाई। अभी अंतिम बात, तो फिर देव सास गुरु की भक्ति पूजा का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। उसका कारण है, उसका कारण आज जो आपको आजादी मिली है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं पुण्य नहीं कर सकता, ये सारे काम मैं नहीं कर सकता, खाना पीना चलना फिरना, तो मैं तो एक गायक हूं और भगवान जैसा हूं, तो मेरा तो कोई पाप ही नहीं हुआ। अनादि काल से भोगता तो मैं था ही नहीं इनको, और बेफिजूल चार गति में घूमता था। ओहो, उससे छुटाया किसने? ओए भगवंत, ए मुनीश्वर, ए जिनवाणी, ए भगवान, तो अभी तक जो अनादिकाल से बेफिजूल फांसी पे लटक रहे थे हम, उससे बचाने वाली मिल गई तो उनकी भक्ति आए बिना नहीं रहेगी, उनकी प्रशंसा आए बिना नहीं रहेगी। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, कैंसर, अब वो मौत के मुंह में जा रहा, बिल्कुल बचने का कोई उपाय नहीं है। इतने में एक डॉक्टर ने उसे एक गोली खाने को दी और वह स्वस्थ हो गया। अभी वो डॉक्टर ये नहीं कहता है कि अब सारी जिंदगी जब तक जीवित रहो मेरे प्रशंसा करना, तुम करोगे कि नहीं? अरे साहब, वो डॉक्टर ने बचाया, वो डॉक्टर ने बचाया, कहोगे कि नहीं? उस डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना मेरी प्रशंसा करना, तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे चार गति के अनंत पापों से बचाने वाले भगवंतों की महिमा आए बिना नहीं रहेगी, उनकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे हम। जब तक मुनि दशा नहीं आए और हम भगवान नहीं बनेंगे, तब तक इनका उपकार याद आएगा, इसका नाम शुभ भाव, और वो आए बिना नहीं रहेगा। एक भिखारी को कोई करोड़ रुपया कमाने की कला बताए, एक भिखारी को करोड़ रुपया कमाने की कला बताए, ऐसे वो भी कला माने की में भगवान बन गए, करना तो था ही नहीं कुछ, करते तो थे ही नहीं, ये मानते थे कि मैं करता था, ये मिथ्या थी, और अब मालूम पड़ गया मैं करते ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा? कुछ करना बाकी नहीं रहा, अकर्ता ज्ञायक जानते जानते भगवान बन जाएंगे, और इतना सरल उपाय विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी भक्ति आए बिना रहती नहीं। विस्तार से कल करें। ओम नमः शिवाय।